अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, स्टोरी सीरीज में आप लोगों के लिए आज मैं एक नई कहानी लेकर आई हूँ। फ्रेंड्स, ये बहुत ही आसान कहानी है, बहुत आसान जबान में लिखी गई है और इसमें इजी सेंटेंस यूज किए गए हैं। तो आप लोग जरा सेंटेंस के स्ट्रक्चर पर गौर कीजिएगा, इससे आपकी राइटिंग स्किल इम्प्रूव होगी। और वर्ब के तीनों फॉर्म्स मैंने वीडियो के एंड में लिख दिया है, उसका आप स्क्रीन शॉट ले लीजिएगा। तो चलिए कहानी पढ़ना शुरू करते हैं। कहानी का उन्वान है द स्लेव एंड द लायन। द स्लेव एंड द लायन, स्लेव यानी गुलाम, लायन यानी शेर। अ लॉन्ग लॉन्ग टाइम अगो इन एंशियंट ग्रीस देयर लिव्ड अ स्लेव। बहुत दिनों पहले इन एंशियंट ग्रीस, कदीम यूनान में, देयर लिव्ड रहता था अ स्लेव, गुलाम, एक गुलाम। बहुत दिनों पहले कदीम यूनान में एक गुलाम रहता था। ही वर्कड फॉर द किंग, वो काम करता था फॉर द किंग, बादशाह के लिए। हु वॉज वेरी क्रूअल टू हिम, जो उसके लिए बहुत जालिम था। क्रूअल मीन्स जालिम। वन नाइट वेन ऑल द गार्ड्स वर अस्लीप, एक रात जब सारे गार्ड्स या सिपासालार, चौकीदार, एक रात जब सारे चौकीदार वर अस्लीप सो रहे थे, द स्लेव एस्केप्ड, गुलाम फरार हो गया। ही रैन एंड रैन अंटिल ही रीच्ड अ जंगल, वो दौड़ते दौड़ते पहुंच गया जंगल में। रैन एंड रैन, दौड़ते दौड़ते। ही रीच्ड, पहुंच गया अ जंगल, जंगल में। द स्लेव सॉ अ केव एंड वेंट इनसाइड, गुलाम ने देखा एक गार, एंड वेंट इनसाइड, और अंदर गया। देयर वॉज अ लायन हाउलिंग इन पेन, वहां एक शेर दर्द से चीख रहा था। हाउल यानी चीखना, दर्द से चीखना, ठीक है। पेन यानी दर्द। एट फर्स्ट द स्लेव वॉज अफ्रेड, पहले गुलाम डर गया। अफ्रेड यानी डर गया। बट ही हर्ड द लायंस पेनफुल रोर, लेकिन उसने सुनी या सुना लायंस, शेर की दर्द भरी दहाड़। पेनफुल यानी दर्द भरी, रोर यानी दहाड़। एंड वेंट टू टेक अ क्लोजर लुक, और आगे बढ़ा करीब से देखने के लिए। वेंट यानी गया या आगे बढ़ा। टू टेक अ क्लोजर लुक यानी नजदीक से देखने के लिए या करीब से देखने के लिए। द लायन हेल्ड इट्स पाव आउट टू द स्लेव, द लायन हेल्ड इट्स पाव आउट टू द स्लेव, शेर ने अपना पंजा बढ़ाया गुलाम की तरफ। हेल्ड यानी बढ़ाया, पाव यानी पंजा, टू द स्लेव, गुलाम की तरफ। अच्छा, होल्ड आउट, होल्ड आउट के माने होता है बढ़ाना, जैसे होल्ड आउट
हैंड हाथ बढ़ाना, होल्ड आउट लेग्स पांव बढ़ाना, इस तरह से कि होल्ड के साथ में आउट आएगा, ठीक है, इसका मतलब बढ़ाना. देन द स्लेव पैटेड द लायंस हेड, सॉरी द स्लेव टुक द लायंस पाव इन हिज हैंड. गुलाम ने टुक द लायंस पाव, शेर के पंजे को लिया, इन हिज हैंड अपने हाथों में, टुक यानी लिया. ही saw a big thorn stuck in the paw. ही saw, उसने देखा एक बड़ा कांटा फंसा हुआ है उसके पंजे में. स्टक यानी फंसा हुआ. द स्लेव जेंटली रिमूव्ड इट, गुलाम ने आहिस्ता से उसको निकाल दिया. जेंटली यानी आहिस्ता से, रिमूव्ड यानी निकाल दिया. देन द स्लेव पैटेड द लायंस हेड, उसके बाद गुलाम ने थपथपाया. लायंस हेड, शेर के सर को, शेर के सर को ऐसे थपथपाया. द लायन लिक्ड हिज हैंड फॉन्डली, द लायन, शेर ने लिक के माने चाटना, यहां पे हो जाएगा चाटा. वो शेर उसके हाथ को चाटने लगा प्यार से, फॉन्डली यानी प्यार से. द स्लेव एंड द लायन बिकेम गुड फ्रेंड्स, गुलाम और शेर अच्छे दोस्त बन गए. बिकेम यानी बन गए या हो गए, गुड फ्रेंड्स अच्छे दोस्त. द स्लेव स्टेड देयर विद लायन, और गुलाम ने उस शेर के साथ में कयाम किया या रहने लगा, कयाम किया. अ फ्यू डेज लेटर द स्लेव वेंट बैक टू टाउन फॉर फूड, कुछ दिनों बाद, अ फ्यू डेज लेटर द स्लेव वेंट, गुलाम गया, वेंट बैक वापस गया, वापस गया टू टाउन शहर में, फॉर फूड खाने के लिए. बट द किंग्स गार्ड, लेकिन बादशाह के चौकीदारों ने क्या किया, कॉट हिम, उसे पकड़ लिया. बादशाह के पहरेदारों ने उसे पकड़ लिया. द किंग पनिश हिम, द किंग पनिश्ड हिम, बादशाह ने उसे सजा दी. एंड ऑर्डर्ड, और हुक्म दिया, द सोल्जर्स, सिपाहियों को, टू लॉक हिम अप, बंद कर दे, विद अ हंग्री लायन, बंद कर दे, हंग्री यानी भूखा, और लॉक अप यानी बंद कर देना, ठीक है, लॉक अप हिम, उसको बंद कर दे भूखे शेर के साथ में. द गार्ड्स ट्रैक द स्लेव इनटू द केज, और वो पहरेदार ड्रैग्ड यानी घसीटा, घसीटा गुलाम को, वो ये पहरेदारों ने गुलाम को घसीटा इनटू द केज, पिंजड़े में. व्हेन द लायन saw द स्लेव, जब शेर ने गुलाम को देखा, ही walked टू हिम, उसके पास आया, वॉक यानी चलकर आया, ठीक है, चलकर आया. बट इंस्टेड ऑफ अटैकिंग हिम, लेकिन इंस्टेड यानी के बजाय, ऑफ अटैकिंग हिम,
अटैक यानी हमला करना, लेकिन हमला करने के बजाय हिम उस पर ही लिट द स्लेव्स फेस, वो गुलाम का चेहरा चाटने लगा, ठीक है। फेस यानी चेहरा, और यहां देखिए अपोस्ट्रोफे एस लगा है, इसका मतलब का के की, ठीक है, गुलाम का चेहरा। दिस वॉज द सेम लायन, ये वही लायन था, सेम लायन वही लायन, वही शेर। दिस वॉज, ये वही लायन था, वही शेर था, हु शेयर्ड अ केव, जिसने बांटा था, शेयर्ड यानी बांटना, शेयर यानी बांटना, शेयर्ड यानी बांटा, जिसने बांटा था क्या, गार विद द स्लेव, गुलाम के साथ, इन द जंगल, जंगल में। सरप्राइज्ड गार्ड्स हैरत ज़दा गार्ड्स, चौकीदार या पहरेदार, रश्ड, जल्दी से दौड़े, कहाँ, जल्दी से गए, टू टेल, कहने के लिए, किसको, द किंग, बादशाह को। द किंग वॉज टच्ड टू हियर द स्टोरी, ये बात बादशाह के दिल को छू गई, द किंग वॉज टच्ड टू हियर द स्टोरी, ये कहानी बादशाह के दिल को छू गई। द किंग तश यानी छू गया, हियर स्टोरी यानी कहानी, हियर यानी सुनना, सुनना। द किंग ऑर्डर्ड, बादशाह ने हुक्म दिया, द गार्ड्स, पहरेदारों को, टू रिलीज, रिहा कर दे, रिहा कर देना, रिहा कर दे बोथ ऑफ देम, दोनों को, दोनों से मुराद गुलाम और शेर को। बादशाह ने जब उनकी कहानी सुनी, गुलाम और शेर की, तो बहुत जज्बाती हुआ और ये कहानी उसके दिल को छू गई और उसने हुक्म दिया कि उन दोनों को रिहा कर दिया जाए। तो फ्रेंड्स, ये थी आज की कहानी, उम्मीद करते हैं पसंद आई होगी ज़रूर। और इसका, इसके वर्ब के तीनों फॉर्म्स का मैं दे देती हूँ।